ये मैगी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 पैकेट मैगी। इसको बॉईल कर लेना अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे पिंच सॉल्ट। इसको अच्छे से पका लेना, फिर इसको ठंडे पानी से धो लेना ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। आप इसके बाद इसमें ऑयल लगा देना ताकि ये चिपके ना। अब हम एक आलू बॉईल करने के लिए रख देंगे कटोरी लेंगे, उसमें मसाले डालेंगे। मैगी के 2 पैकेट थे ना, दोनों पैकेट डाल लेना। उसके बाद लाल मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, आप कोई भी मसाले डाल सकते हैं। अब हम लेंगे ये मसाला जो मैंने बनाया है, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और ग्रीन चिली है। पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें प्याज डालेंगे और फिर उसको कुक करने के बाद टमाटर डाल के, फिर टमाटर को पानी डाल के कुक करेंगे अच्छे से। जब पानी सारा सूख ले तो उसमें हरी मिर्च डाल देना, उसके बाद शिमला मिर्च और फिर इसमें वो आलू डाल लेना। फिर इसमें पानी डाल ताकि शिमला मिर्च और ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें इसमें डालनी है मैगी जो हमने बॉयल करके रखी थी। उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद उसको बीच में से घट्टा सा बनाने में पानी डाल लेना, फिर मसाला डालना जो बनाया था हमने। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे और बाकी चीज़ों का आप इग्नोर मारना थोड़ा सा। इसको अच्छे से मिक्स कर देना और ये हमारी मैगी रेडी है। इतनी टेस्टी लग रही है ना।